ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हमने प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन को डिस्कस करना है, प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन, ठीक है। कुछ चीजें इंतहाई बुनियादी हैं और कुछ चीजों का हमने रिवीजन करना है, यानी कि कुछ फार्मूलाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिये, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है भाई जी? टू डायमेंशनल मोशन, ये 2D मोशन होता है ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर, यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है वो जी होता है, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? द ऑब्जेक्ट मूविंग इन टू डायमेंशंस। तो वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टू डायमेंशंस में अंडर ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ग्रेविटी की वजह से, इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। तो उसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से यहां तक कोई फुटबॉल यहां से किक की गई, यहां पे पहुंच गई, तो ये फुटबॉल हमारा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? पाथ, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो उसका जो रास्ता है, जहां जहां से वो गुजर के जाएगा, वो उसका ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। एग्जाम्पल्स हैं, अ फुटबॉल किक बाय ऑफ बाय अ प्लेयर, एक प्लेयर की तरफ से फुटबॉल जो किक की गई, अ बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर, एक बॉल जो कि क्रिकेटर ने हिट की या फेंकी हाथ से, अ मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड, एक मिसाइल जो कि एक लॉन्चिंग पैड से फायर किया गया, ठीक है। ये मिसालें हैं प्रोजेक्टाइल की, डेफिनेशन उसकी, ट्रेजेक्ट्री की, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखें। प्रोजेक्टाइल की 2 टाइप्स आपकी बुक में दी हुई हैं, ठीक है। वैसे हम 3 डिस्कस करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, वर्टिकल है, ठीक है, और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। तो सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि आप किसी पीक पे, किसी हाइट पे खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बिल्डिंग है और आप उसके ऊपर खड़े हैं, ठीक है, यहां पे। तो ये एक बिल्डिंग है, आप यहां से फायर करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हॉरिजॉन्टली पुश करते हैं, या फिर कोई प्लेन आ रहा है, ठीक है, कोई एरोप्लेन आ रहा है और वो मिसाइल फायर करता है, तो शुरू में वो मिसाइल जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस जाएगा। तो शुरू में अगर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, टेढ़ा नहीं फेंका आपने, तो उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ हाइट से फेंकना लाजमी है, क्योंकि जब आप यहां से फेंकेंगे तो वो गिर पड़ेगा नीचे वहीं, ठीक है, कुछ हाइट से फेंकना लाजमी है। तो बाद में फिर अब देखें, जब आपने हॉरिजॉन्टली पुश किया है, इसको इनिशियल वेलोसिटी को अलोंग एक्स एक्सिस दी है, बाद में वो वाली वेलोसिटी तो है, लेकिन साथ में डाउनवर्ड वेलोसिटी भी गेन करना शुरू हो गया है, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे, 2-1 चीजें जहन में रखिएगा, खासतौर पर जो फ्रेश बच्चे बैठे हैं, कि जब इसका फॉरवर्ड, आपने इनिशियली फॉरवर्ड पुश किया है, तो बाद में हॉरिजॉन्टली क्या क्या चीजें हैं हमारे पास और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने देख लिया है, अब आगे चलेंगे जी। तो कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्टाइल की, वो क्या है? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो ये मैं डायग्राम यहां पे फिर से बना देता हूं कि किसी हाइट से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड आता गया है, यहां पे आके उसके पास इनिशियली तो सिर्फ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी थी, बाद में उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स भी थी, अलोंग वाई भी थी, ठीक है, यहां पे भी आके एक्स की तरफ भी थी और वाई की तरफ भी। आप फाइनल इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, जिस इंस्टेंट आपका दिल करे उसको आप फाइनल कहेंगे, इनिशियल के बाद। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए किसके बराबर होगा? एफ ओवर एम। हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल को तो ए को आप ए एक्स लिखते हैं, एफ को एफ एक्स लिखते हैं, ओवर एम, तो ये आपके पास रिलेशन है। अब इसका मतलब एक्सेलरेशन तब होगा जब मास हो और साथ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हो, समझ आ गई है? अब आप मुझे बताएं, इनिशियली जब आपने पुश कर दिया, पुश करने के बाद कोई और ऐसी फोर्स है जो इसको फॉरवर्ड खींचे हॉरिजॉन्टली? एयर रेजिस्टेंस को आप इग्नोर करेंगे, ये आइडियल केस है। शुरू में आपने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, उसके बाद कोई और फोर्स नहीं है लॉन्ग एक्स एक्सिस जो उसको खींच सके या उसको रोक सके, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर। तो फिर हम क्या कहेंगे? इफ वी इग्नोर द एयर फ्रिक्शन, देन देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? जीरो। सो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यहां जीरो पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा या नल वेक्टर। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कौन सा? कि जब भी प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो हेंस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जीरो ऑलवेज। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा जीरो होगा। ये प्रोजेक्टाइल की निशानी है, ये प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। ये सिंपल एमसीक्यू है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल,
ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टली पुश किया है या किसी एंगल पे ओब्लिक बनाया है। एक्स एक्सिस के अलोंग उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है वो जीरो है। ठीक है, आगे चलें बता जी। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मैं डायग्राम गलती से मिटा खड़ा हूं, यहां से हाइट से आपने ऐसे पुश किया था, हाँ एम, वो यूज तो हुआ है, उसी से तो पता चला है कि एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो है। ये ध्यान में रखें, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है प्रोजेक्टाइल पे, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। ओके जी, अब हॉरिजॉन्टल, तो दो बातें आपने ध्यान में रख ली कि प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स नहीं लगती और एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक है बेटे अभिमा। ओके जी, अब आ जाए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है तो फिर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी? कॉन्स्टेंट। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी कितनी थी? सपोज 10 मीटर पर सेकंड थी, तो यहां पे भी वेलोसिटी, उसको मैं फाइनल कह देता हूं, वो भी 10 होगी, यहां पे भी वेलोसिटी 10 होगी। तो याद रखें, बेशक वो डाउनवर्ड आ रहा है लेकिन फॉरवर्ड वाली जो वेलोसिटी है जो शुरू में थी वही बाद में भी वही है। ठीक है, वो चेंज नहीं हुई। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कॉन्स्टेंट रहती है जो शुरू में थी। ठीक है, ध्यान में रहेगा। ओके जी, इट मींस द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, उसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट। सो द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉल इज सिंपल, तो ये सिंपल है, इसको इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती। अब तीसरी बात आ गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको आप एक्स कह लें, वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम हो तो सिंपल डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब आपने फासला ही एक्स एक्सिस वाला फाइंड करना है तो वेलोसिटी भी उधर वाली ही इस्तेमाल होगी। तो एस को एक्स कर दें, वी को वी एक्स, वी एक्स कौन सा? बेशक इनिशियल एक्स कह दें, बेशक फाइनल कह दें, है ही सेम, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, ये बहुत इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दे दे, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 10 मीटर पर सेकेंड थी और बॉल 2 सेकंड के बाद पहुंची, तो आपने फासला मालूम कर लेना है कि वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा यहां से यहां तक फासला। इसमें वेलोसिटी कम नहीं, वो वाई एक्सिस के लॉन्ग चेंज हुआ है, वो भी बढ़ी है आते हुए। ठीक है, एक्स एक्सिस की चेंज नहीं हुई, फिर से याद करा रहा हूं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। ठीक है, यही तो चीजें याद रखनी है, और ये फार्मूला भी याद रख ले जो अभी पढ़ा है। प्रोजेक्टाइल का एक्स के अलोंग फासला फाइंड करना है तो वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम लगेगा। जी वकार, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब वर्टिकल एक्सेलरेशन, फिर मिटा दिया। अच्छा जी, वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो वही पीक से आपने बॉल को फेंका था हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन वो नीचे आता गया। अच्छा, अब यहां पे उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, उसको मैं एफ एक्स कह देता हूं, वो तो वही थी जितनी वी आई एक्स था, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी, पहले यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी थी? नहीं थी। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई जीरो। इनिशियली आपने किस तरह फेंका था पीपा बेटे? इनिशियली बॉल को किस तरह फेंका था? एक्स एक्सिस की तरफ, तो वाई की तरफ तो नहीं फेंका था, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई जीरो। लेकिन बाद में ग्रेविटी ने खींच खींच के इसको कुछ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस दे दिया। ठीक है, किसको? हाय, अच्छा जी, इसके बाद यहां पे आके फिर जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो तो वही होगी, लेकिन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो है वो चेंज हो चुकी। आपके मोबाइल में तार नहीं लगी हुई? तार लगा ले। आपकी बर्थडे, इधर हम चाय बनवा रहे हैं, एक और चाय पड़ गई आप पे। अच्छा जी, वर्टिकल एक्सेलरेशन देख लें जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो शुरू में वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन बाद में ये डाउनफॉल ग्रेविटी ने इसको खींचा है, लिहाजा वेलोसिटी चेंज होती रही। पहले वेलोसिटी vf1 थी, फिर vf2y थी, vf1y, इसका मतलब चेंज हो रही है वेलोसिटी। ठीक है, कौन चेंज कर रहा है? कोई फोर्स है जो वेलोसिटी चेंज कर रही है? तो आइए देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फिर से f is equal to ma is equal to f over m, तो a को क्या लिखेंगे? ay, क्योंकि अब हम वर्टिकल एक्सेलरेशन डिस्कस कर रहे हैं, is equal to fy over m। अगर fy है, वर्टिकली कोई फोर्स लग रही है, तो फिर वर्टिकल एक्सेलरेशन भी होगा।
इफ वी इग्नोर द एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, देयर इज ओनली अ कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी, तो जमीन के करीब करीब एक खास फासले पे जो फोर्स लग रही है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो फोर्स अगर कांस्टेंट है और मास भी वही है, तो यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, तो फिर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे चूंकि वाई की डायरेक्शन में बॉल पे जो फोर्स लग रही है जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट लग रही है, लिहाजा फिर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो फिर एक्सेलरेशन अलोंग वाई भी कांस्टेंट होगा और उसको हम जी कहते होते हैं और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो अब दो बातें यहां हमने सीख ली, पीछे क्या देखा कि एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल मोशन में फोर्स नहीं लगती, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन भी नहीं होता, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वाई के अलोंग इनिशियल, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी लेकिन बाद में वेलोसिटी बढ़ती गई, वेलोसिटी चेंज हुई लेकिन चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड। तो याद रखें प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं होता, वाई के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू 9.8 है। हेंस वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जमीन के करीब करीब, ठीक है। इसमें किसी को मसला, आगे चलें। अच्छा जी, अब वर्टिकल डिस्टेंस की तरफ आ गए, तो पहले अभी वर्टिकल एक्सेलरेशन देखा था, अब वर्टिकल डिस्टेंस दूसरा पॉइंट हो गया वर्टिकल के केस में। यूजिंग डिस्टेंस इक्वेशन एस इज इक्वल टू वीआईटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस के लिए एस को वाई लिख दूंगा, वीआई को वीआई वाई लिख दूंगा, हाफ ए को ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अभी आपने देखा बट एज द बॉडी इज पुश्ड अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियली, तो शुरू में एक्स की तरफ फेंकी गई थी, लिहाजा शुरू में जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस थी वो क्या थी, जीरो थी, ठीक है। एक्स की तरफ फेंकी गई थी, y की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं था, लिहाजा आप यहां पे पुट कर दें vi y की 0, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ a y t स्क्वायर। a y किसके बराबर है, वो यूनिफॉर्म है और वो g के बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर आ गया हाफ g t स्क्वायर, क्या चीज, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वर्टिकल फासला था, बॉल यहां से फेंकी गई थी इस तरफ, ठीक है, और वो यहां पे आके गिरी थी, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला है, ठीक है, ये कितना है वो हमने फाइंड किया है, वो किसके बराबर है, वो है हाफ जी टी का स्केल, ठीक है, या फिर ये 5 टी का स्केल, या फिर वाई इज प्रोपोर्शनल टू टी का स्केल। और अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो वाई एक्सेस पे डिस्टेंस यानी कि एस या वाई लिख दें और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सेस की तरफ टाइम लिख दें, तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ भी हमें पता हो, ठीक है, कि जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही होती है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, क्यों, एक सेकंड पे एक मीटर फासला, लेकिन दो सेकंड पे चार मीटर फासला हो जाएगा, दो का स्केयर चार, इस वजह से ये वाला जो पॉइंट होगा वो यहां पे जाके बनेगा, क्लियर। तो ये आ गया, तो ये आगे, हेंस वर्टिकल डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द टाइम, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ये प्रोजेक्टाइल की, ठीक है, आगे चले। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो टाइम के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट देखें जी, अब आगे जी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऐसा प्रोजेक्टाइल जिस जो ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो उसको ऑब्लिक कहते हैं, ठीक है, जो ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो उसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ये देखें, यहां से फॉर एग्जांपल किसी फुटबॉल को मैंने ऐसे किक किया, शुरू में ऐसे किया लेकिन ग्रेविटी के खींचने की वजह से वो मुड़ती गई, ठीक है, अब ये यहां पे आके गिर गई है, तो ये जो बॉल है ये हमारा प्रोजेक्टाइल है और ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, जीरो पे भी पैरेलल भी नहीं फेंका, वर्टिकल भी नहीं फेंका, पैरेलल वाला भी स्पेशल केस है इसका, परपेंडिकुलर वाला भी स्पेशल केस है, ये असल प्रोजेक्टाइल ये, ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, तो ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। अब इसमें देखें, ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी वी आई और इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कौन से, एक ये है वी आई एक्स और एक ये है वी आई वाई, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये यहां पे पहुंचा तो एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, यहां पहुंचा एक्स कंपोनेंट तो है वाई नहीं है, यहां पहुंचा एक्स कंपोनेंट है वाई अब डाउनवर्ड है, यहां पे एक्स है वाई डाउनवर्ड है, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें जो एक्स का कंपोनेंट है, देखिए अगर हम इसको टेक्निकली भी देखें, जो एक्स कंपोनेंट की लंबाई जो शुरू में थी वही बाद में उसकी ना डायरेक्शन चेंज हुई है ना ही मैग्नीट्यूड, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती, लेकिन वाई के अलोंग आप देखें, शुरू में मैंने जो फेंका उसको ज्यादा एंगल पे फेंका था इसलिए वाई कंपोनेंट ज्यादा था, फिर ये नीचे आती गई बाल, अब वाई कंपोनेंट
कम होता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेरी नहीं कर रहा, वर्टिकल कंपोनेंट वेरी कर रहा है। अब इसमें जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उस पे असर पड़ रहा है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर है? यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर है, ठीक है। यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर है? इधर है। ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट पे असर पड़ रहा है, एक्स पे नहीं पड़ रहा, वाई के ऊपर पड़ने की वजह से रिजल्टेंट पे असर पड़ रहा, ठीक है। तो आप देखें तो अच्छा जी, वाई शुरू में वेलोसिटी अपवर्ड और मैग्नीट्यूड ज्यादा, बाद में वेलोसिटी अपवर्ड ही है, मैग्नीट्यूड कम यहां पे और कम यहां पे, वाई के अलावा कोई मोशन नहीं है। तो याद रखें जब पीक पे प्रोजेक्टाइल पहुंचता है तो ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, जितनी डाउनवर्ड फोर्स है उतनी अपवर्ड इसका इनर्शिया था, जिसकी वजह से इसका ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन रुक गया है। तो याद रखें पीक पे जो वाई के लॉन्ग वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, पीक पे वाई के लॉन्ग वेलोसिटी जीरो होती है, एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी जीरो नहीं होती, जहन में रखें। तो पीक पे वाई के लॉन्ग वेलोसिटी जीरो होती है, एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी जीरो नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा जीरो है हर पॉइंट पे, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कहीं पे भी जीरो नहीं है, इवन के पीक पे भी वो मौजूद है और उसकी वैल्यू 9.8 है, ठीक है। तो ये चीज आ गई, ये ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की। अब इस डायग्राम को देख लें। अब हमने इसमें कुछ चीजें फाइंड करनी है, कौन सी? वही वाली जो हॉरिजॉन्टल में फाइंड की थी, यहां पे भी डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे और साथ में वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे। देखें इनिशियल वेलोसिटी ये है वी आई, इसका एक्स कंपोनेंट है वी आई एक्स, ये है वी आई वाई। तो ये वी आई कैसे फाइंड करेंगे? ये वी आई किसके बराबर होगी? ये वी आई बराबर होगी वी आई एक्स का स्केयर प्लस वी आई वाई का स्केयर स्केयर रूट, ऐसे फाइंड हो जाएगी। लेकिन अगर फाइनल फाइंड करना चाहें यहां पे जब फाइनल लॉस, फॉर एग्जांपल यहां पे फाइनल वेलोसिटी ये है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको वी एफ एक्स चाहिए और ये वी एफ वाई चाहिए, ठीक है। तो फिर वी एफ कैसे फाइंड करेंगे? वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर। अब याद रखें ये वी एफ वाई उलट चुका है इनिशियल से, लिहाजा माइनस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड लेनी है, स्केयर आ जाएगा। तो ये तो याद रखें जो फाइनल वेलोसिटी है वो एफ एक्स और एफ वाई से ही निकलेगी। पहले हमें वी एफ एक्स मालूम हो, वी एफ वाई मालूम हो, फिर वी एफ बी मालूम हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यही करने लगे हैं, डायग्राम चुके गुजर जाएगी, तो अब हमने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज देखनी है।